नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लाखों लोगों की मौत हो रही है, लेकिन भारत में बकरीद पर बहस छिड़ी हुई। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद कहते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद कुर्बानी होकर रहेगी, तो वहीं अब यूपी में बीजेपी विधायक ने ऐलान किया है कि कुर्बानी नहीं होने देंगे। यही नहीं, बीजेपी विधायक ने तो सारी हदें पार करते हुए एक विवादित बयान तक दे दिया। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कोरोना काल में बलि का विरोध करते हुए कहा है, जिस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब नारियल फोड़कर उसकी जगह बलि की पूर्ति की जाती, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपने पवित्र चीज को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता। अगर कोई कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। निरीह जीवों को मारकर बलि देकर कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उनको बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि जिस तरह लोगों ने कोरोना पर सरकार के नियमों का पालन किया, मस्जिद और मंदिरों में पूजा नहीं की, वैसे ही इस बार बकरीद के मौके पर कुर्बानी न दे, क्योंकि इससे कोरोना फैलने का खतरा है। इससे पहले संभल के समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बकरीद पर पशु बाजारों को खोले जाने और सामूहिक नमाज की इजाजत देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सामूहिक नमाज से कोरोना भागेगा। हालांकि बीजेपी सांसद संगीत सोम ने इस पर शफीकुर रहमान को आलू साग खाकर त्योहार मनाने की सलाह दी थी। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने भी मुस्लिम समुदाय से प्रतीकात्मक कुर्बानी करने की अपील की थी।